তোমার নামের রুদ্ধরে আমি ডুবেছি সমুদ্রে জানি না যাব কদ্দরে। Hi guys, welcome and welcome back to my channel and welcome back to my another super duper exciting video. So in this video, I'm gonna share with you my junk jewelry collection. Love junk jewelry a lot, guys. मुझसे बहुत दिनों से request कर रहे थे कि दी आपका please junk jewelry collection share करो and finally here it is. मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं क्योंकि मेरे पास इतना सारा ज्वेलरी का कलेक्शन है ना, मैं सोच रही थी कि एक वीडियो में क्या कंप्लीट हो पाएगा, बट कर दिया है मैंने। गोल्डन कलर का जो ज्वेलरी है ट्रेडिशनल वाला, उनको और जंक ज्वेलरी को एक साथ मिक्स नहीं किया है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ जंक ज्वेलरी दिखाया है आप लोगों को। किसी किसी को लग सकता है इसके पास तो बहुत ज्यादा जंक ज्वेलरी है, लेना पड़ता है अलग अलग लुक क्रिएट करने के लिए। मुझे जंक ज्वेलरी पहनना, जंक ज्वेलरी स्टाइल करना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसे करते करते मेरे पास बहुत ही ज्यादा जंक ज्वेलरी है एंड जो भी सारा जंक ज्वेलरी मैंने ऑफलाइन परचेज किया है उनका तो लिंक मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती। मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज किया है या तो कोई भी वेबसाइट से परचेज किया है, उनका मैं लिंक देने की कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप वीडियो देखने में आप लोगों को अच्छा लगेगा एंड अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अनदर एनी मोर ब्ला ब्ला, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं मेरा ज्वेलरीज मिठाई के डब्बे में स्टोर करती हूँ। आई नो इट्स वियर्ड बट हम इंडियन हैं, जुगाड़ तो कर ही लेंगे। तो और मैं मेरा जो छोटा वाला इयररिंग है डेली वेयर के लिए, वो मैं छोटे वाले बॉक्स में स्टोर करती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ जंक ज्वेलरी एज यू कैन सी। मेरे ज्वेलरी को स्टोर करने के लिए मैंने अलग से स्टेशनरी स्टोर्स ज्वेलरी स्टोर से मैंने ये बॉक्सेस लिया है और ये मुझे 60 रुपीज़ का पड़ा है। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द ज्वेलरी हॉल। सबसे पहले मेरे पास है ये ब्लैक पॉलिश का चोकर, ये मैंने ऑफलाइन से लिया है। इसका प्राइस स्क्रीन पर मैंशन है। दिस इज़ द सेकेंड वन, ये भी ऑफलाइन से है। दिस इज़ 250 एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चोकर एंड लुक एट दैट ब्यूटिफुल वर्क गोइंग ऑन दिस चोकर। इसमें छोटे छोटे पर्ल का वर्क है। व्हेनेवर आई क्रिएट एनी इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ आउटफिट आई वेयर दिस चोकर। आई गॉट दिस चोकर 2.5 ईयर बैक फ्रॉम कोलकाता स्ट्रीट मार्केट, प्लैनेट से लिया था। मुझ पर ये चोकर उतना ज़्यादा खास नहीं लगता है। यू कैन सी द क्वालिटी, इट्स स्टिल ब्यूटिफुल। देन दिस हैंडमेड इयररिंग आर फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर फ्रॉम कारू विला। डोंट इवन थिंक दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड वीडियो और एनी काइंड ऑफ अ कोलैब। आई बॉट दिस इयररिंग्स एंड बैंगल्स फ्रॉम माई ओन मनी। दिस इयररिंग्स इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम इंस्टाग्राम स्टोर। दिस स्काई ब्लू बैंगल्स आर फ्रॉम द सेम इंस्टाग्राम स्टोर एंड लुक एट दैट क्वालिटी, दिस आर सो गुड। मुझे स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना अच्छा लगता है। यू कैन वेयर दिस बैंगल्स विद दिस ब्लैक पॉलिश बैंगल जो कि मैंने स्प्लैनेट से लिया था। लेट्स टॉक अबाउट दिस पिंक एंड ऑरेंज बैंगल्स, दीज आर फ्रॉम अनादर इंस्टाग्राम स्टोर विच इज़ कॉल्ड आगोमोनी। लुक एट दैट क्वालिटी, लाइक सारे ही जो भी सारा मैंने हैंडमेड ज्वेलरी इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज किया है, दिज आर टॉप नॉच वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड और एनी काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन। ओके, दिस ब्लैक पॉलिश, दिस इज कॉल्ड बैंगल्स और एनी हैंड कर्व आई थिंक। दिस इज फ्रॉम गड़ियाहाट, दिस इज ऑल्सो अ कोलकाता स्ट्रीट मार्केट और ये मैंने ऑफलाइन ही परचेज किया है। लुक एट दैट ब्यूटिफुल नाइस ब्लैक पॉलिश हैंड कर्व। एंड ये मैंने लिया है मीशो से, ये ब्लैक पॉलिश का बैंगल्स है एंड दिस का इसका कोड मैंने स्क्रीन पर मेंशन करके रखा है। दिस इज़ सो गुड क्वालिटी एंड सो नाइस। मेरा जो साइज़ है 2.4। ओके, देन नेक्स्ट आता है एक बिग झुमका ब्लैक पॉलिश का, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मीशो। मीशो से मैंने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी परचेज किया है एंड मेरे मोस्ट ऑफ द ज्वेलरीज आर फ्रॉम मीशो इन दिस ज्वेलरी हॉल वीडियो। एंड दिस झुमका इज ऑल्सो फ्रॉम ऑफलाइन, ये मैंने बहुत दिन पहले लिया था। इट्स ऑलमोस्ट 4.5 ईयर बैक, जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था तब मैंने लिया था ये झुमका। बट इसका कलर वैसे का वैसा ही है। मैं उतना ज़्यादा खास केयर के साथ मेरी ज्वेलरी रखती भी नहीं हूँ बट दे ऑल आर इन अ गुड क्वालिटी। ये मिरर स्टड जो है मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मीशो और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। ऐसे धूप में मैं शूट कर रही हूँ एंड अभी जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, दिस लुक सो एस्थेटिक। देन ये छोटे छोटे झुमका, ये भी ऑफलाइन से है, 50 रुपीज़ का है एंड मैंने स्क्रीन पर सारा सब कुछ मैंशन करके रखा है।
वीडियो के एकदम पहले थर्ड वाला जो मैंने नेक पीस दिखाया था उसके साथ था ये वाला दो ईयरिंग. देन दिस ब्लैक पॉलिश झुमकाज आर फ्रॉम ऑफलाइन. दिस इज ओनली 50 rupees. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल ईयरिंग दैट आई हैव एंड दिस इज ओनली फॉर 30 rupees. आई गॉट दिस फ्रॉम स्प्लैनेट एंड लुक एट दैट क्वालिटी. ये वन ईयर तो हो गया है मैंने इसे लिए हुए बट इसका क्वालिटी अभी तक बहुत ही अच्छा है. और मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर में ये ईयरिंग उनका प्राइस था 150 और 100 rupees पर मुझे ये 30 rupees में मिला है सिर्फ. और ये है मीशो से. दिस ईयरिंग्स इज ऑल्सो फ्रॉम मीशो. इसे पहने हुए मैंने एक ईद मेकअप लुक शेयर किया था आप लोगों के साथ एंड कोड स्क्रीन पे मेंशन है. एंड लुक एट दैट ब्यूटीफुल ईयरिंग. ये छोटे छोटे ये मिरर तो नहीं है बट ये कोई अलग किस्म का ग्लू है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है धूप में. देन ये ईयरिंग इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने लिया है. इंस्टाग्राम स्टोर का नेम है ग्रेसफुली ब्यूटीफुल 11 एंड इट्स सो अमेजिंग झुमका. आई लव दिस. मैंने दुर्गा पूजा लुक क्रिएट किया था इसे पहने हुए. दिस इज़ फ्रॉम ऑफलाइन एंड ये 130 rupees लिया था गोरिया हट से ही ये वाला ईयरिंग. काश मैंने ये ईयरिंग ऑनलाइन से लिया होता और आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर पाती. ओके तो नेक्स्ट जो है आई थिंक दिस इज अ झुमका. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गोरियाहाट. गोरियाहाट एंड स्प्लैनेट इज द बिगेस्ट स्ट्रीट मार्केट इन कोलकाता. ओके तो इसका प्राइस था आई थिंक 140 rupees एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड ईयरिंग पीस. ओके अभी सबसे यूज्ड लाइक मोस्ट यूज्ड ईयरिंग जो मैं हर वक्त पहन के रहना पसंद करती हूँ एंड जब भी मुझे कहीं भी बाहर जाना एक छोटा सा ईयरिंग एंड बहुत ही लाइट वेट है ये मैं पहनती हूँ. दिस इज़ फॉर आई थिंक 50 rupees. ये भी मैंने कोलकाता स्ट्रीट शॉपिंग करते करते लिया था. कहाँ से लिया था उतना याद नहीं है अभी मुझे. ओके तो नेक्स्ट आई थिंक रैंडम जो भी आ रहा है मैं वो उठा रही हूँ एंड आप लोगों को बता रही हूँ. ये कोई मैंने कहाँ से भी परचेस नहीं किया था. ये ईयरिंग का लाइक नीचे झुमका लगा हुआ था वो मैंने ऐसे खोल के ऐसे दो ईयरिंग बनाया था. दिस इज़ फ्रॉम ऑल्सो ऑफलाइन एंड बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिला है 150 में. मैंने इंस्टाग्राम स्टोर पर इसका प्राइस पूछा था कि 350-400 ऐसे बता रहे थे बट अब ऑफलाइन चीज़ें परचेस करते हो ना प्राइस बहुत कम मिलता है आप लोगों को. ओके दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ऑफलाइन. दिस इज़ रिटेल फॉर 200 rupees. ये मैंने घर के पास के एक स्टोर से लिया था इसलिए प्राइस ज़्यादा हुआ है मेरा. दिस इज़ फ्रॉम मीशो. कोड मेंशन है स्क्रीन पे. ओके दिस झुमका इज़ ऑल्सो फ्रॉम मीशो. इसका कोड अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है बट ये मीशो में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा. ये मुझे गिफ्ट मिला था. ओके और जो है मेरे पास दिस इज़ अ चोकर. ये मैंने ऑफलाइन लिया था. ये 150 में आता है. और मेरे पास ये मैंने बैंगल का सेट लिया था बहुत सारे सिल्वर बैंगल का सेट. इसका कोड मैंने स्क्रीन पे मेंशन करके रखा है. दिस इज़ फ्रॉम मीशो एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ईयरिंग. मैंने बहुत सारा मेकअप ट्यूटोरियल किया है इस ईयरिंग को पहने हुए. दिस इज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर. ये है आभूषण स्टोर से और ये थोड़ा सा प्राइसी है. 500 पड़ा था मुझे क्योंकि मेरा घर बहुत दूर में है तो डिलीवरी चार्ज लगता है. और अभी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मेरे बैंगल्स को. इतना केयरिंग के साथ रखती हूँ ये वीडियो क्लिप देख के आप लोगों को पता लग गया होगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो जंक ज्वेलरी के बाद आप मेरा क्या कलेक्शन का वीडियो आप देखना चाहते हो. मेकअप और लाइक मेकअप ब्रशेस क्लीनिंग का कोई वीडियो आप देखना चाहते हो तो आई थॉट ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ अ वीडियो फॉर यू गाइज.